राजस्थान की तरह हर 5 साल में बदल देने चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव होगा तो काम भी होंगे। ये 5 साल में सब सीख जाए और अगली 5 साल में बकलदार दे सबका। वोट किसी को दे दो पर पीएम मोदी है। आज एक नाला देखा है क्या विकास किधर है? घट घट पा रहेगा, हम कोई विकास नहीं हुआ है। 1% भी, 1% भी नहीं। सरकार ठीक है पर जो सरकार का तो काम करना है ना, तो दाव किस तरह दान दो? नोटा घेरूंगा भाई। किसका नोटा घेरूंगा? नोटा घेरूंगा भाई। जल को हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल जो लोकसभा के चुनाव काफी गर्मा गर्म चल रहे हैं, ऊपर तक जो है मौसम भी काफी जो गर्मी खींच रहा है, इससे चुनाव ने लेकर चुनाव के सर्वाया ने लेकर जो है हम यहाँ पे पहुंचे हैं तावर के बीच में, तावर देखने लग रहे हो। तो इनते पूछे इनके के विचार है, के निजी विचार है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, किसका जो है रुझान यहाँ पे देखा जाएगा, तो उनने मामला लेकर यहाँ पे पहुंचे है। अब नु बताओ किसका रुझान? नोटा घेरूंगा भाई। किसका नोटा घेरू? नोटा घेरो? कोई सी सरकार मेरा पसंद नहीं। क्यों फिर भी कोई निजी विचार अपने? एक मिनट बताओ ना, इस सरकार ने क्या कर दिया और 10 सालों बाबू बेटा रहे उनने क्या कर दिया? फिर आप किसी और ने भी तो चूज कर सकते हो, और न करा रहो कोई आदमी तक ना अगर जिसने हम पसंद कर लिया। वोट किसी को दे दो पर पीएम मोदी है। अच्छा अच्छा पक्का कंफर्म है? मतलब मोदी बनेगा राइट? अच्छा अच्छा हरियाणा में किसने जिताओगे? अपने एरिया में किसने जिताओगे? ये बराबर सीट है ना? बराबर है, बराबर रहेंगे। आपकी आप किसने जिताओगे? मैं बीजेपी का आदमी। अच्छा बीजेपी का, तो बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो आप बीजेपी की तरफ? भूपेंद्र हुड्डा तो सर शिमरा जी, मैं बच्चा में बी एन सिक्रेटर बच्चे था एक ऐतबे नहीं करें ऐतबे नहीं, मतलब नौकरी ना लगे। हाँ आज बीजेपी सरकार टॉप है के लग रही कुछ भी होता है। अच्छा अच्छा मेरे नहीं, हाँ हर आदमी को लगे। तो एक बात और पूछूँ मैं आड़े की, अगर फिलहाल जो सरकार है उसके बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ का जो गंदा पानी साफ साफ नजर आ रहा है। मेरी बात कौन एम एल ए आपको मालूम होगा? आप बताओ। भूपेंद्र हुड्डा है ना, अब इलेक्शन की वजह से वो निकालते पानी को, अब इलेक्शन के बाद देखना समस्या ये वही वही हाल वही काटता पानी। मतलब बोर में देखा था अगर आप 10 साल सारे हो गए लगभग, पर आड़े तमाशा के टाइम पर गंदा पानी कटा रहे हैं किसी सरकार हो। बोर बालोट, बोर बालोट यहाँ मतलब रास्ता नहीं साइकिल वाले को भी। अपनी राय तो यह है राजस्थान की तरह हर 5 साल में बदल देने चाहिए, इनको मौका मत दो 10 साल का। मतलब बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव होगा तो काम भी होंगे, क्योंकि दूसरे ने नहीं वो सोच होगी भाई तेरा नंबर पड़ेगा। ये 5 साल में सब सीख जाए और अगली 5 साल में बकलदार दे सबका। हाँ की बारी आ जाए। हाँ 5 साल में चाहे वो सरकार कोई भी हो। मतलब आपके नजरिए कांग्रेस आनी चाहिए? मेरे नजरिए से या कोई और आओ कोई भी, पर बदलाव होना चाहिए। आप भी बदलाव चाह रहे हो ना? बदलाव बोल सारे बीजेपी की वर्दी वर्दी है भाई। इलेक्शन में सारे उम्मीदवार जो है मैदान में तार रखे, बैगन उठ रहा है भाई, दुल्हन पाट रहा, कल मोदी भी रैली कर रहा था। देख मौसम का मैदान गर्म और इलेक्शन का मैदान गर्म। सुने एक दा राम मंदा जो ना यो नहीं उठना चाहिए बीजेपी को, जो चीज़ बनाई दी थी उसका चक्कर आके। सही बात, हजार ही बात, 370 तोड़ दी थी उसका चक्कर आके। आज अभी नाला देखा है क्या विकास किधर है, घट घट किधर है देख लिया मैंने। तो इसने मेरे ख्याल में 6 महीने जरूर हो गए होंगे इस बोर में। क्या सन आंदोलन देखा था तेने कदे गा था? कौन से उसका है? जनपोरिया। अच्छा 1 साल 19 दिन आंदोलन चला था, गुरु पूर्णिमा के दिन मोदी ने आदान कर दिया, सरदारा योगा गुरु पूर्णिमा उदन ने आदान कर दिया किसान अपने घर आता हो मुझे, या MSP जो ना गारंटी तो लागू हो जाएगी, लागू हो जाएगी, हो जाएगी ना। फिर इस पर कमेटी बनी, 3 किसान 5 सरकार के आदमी, 3 वोट ज़्यादा 5 ही वोट ज़्यादा, 5 ज़्यादा होगी, 5 ज़्यादा होगी ना। तो किसान आज तक खैर इसने बात नहीं करी, सिर्फ किसान आंदोलन पर एक गुरु पूर्णिमा वाले दिन बोला था रहा, बहुत से किसान मरे भी हैं, उड़े बहुत मरे, रोड पर ही बैठे हैं, खर्चा भी जेड़ा में भी गए हैं, जेड़ा में ही गए हैं। तो कड़े ही सरकार है यार, पहले हो गया हम किसान है तैसी, किसान है तैसी कड़े है कब है पर मैं तो नाटो हूँ। तो अपने गाँव में कितना विकास करे आप? हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है, 1% भी, 1% भी नहीं। ये खान पे भी गुफिए गए आए उड़े हैं जीते रोड पर कहें, जब सार का नया दिन रोहतक में आकर के ना जब लोग कहा करते हुए कि भला इसे खंभे तो चंडीगढ़ में मिला कर रही जरूरत में गढ़ रही है। हाँ और फिर भी आता ना ऐसा रोड फ्लाई ओवर बना रखा पुल के ऊपर, बस ऊपर घूम जाए है यो काम कांग्रेस ने कर रखा है रोड का। हाँ यो दो परियोजना
पास तो बनाई तो पर पास भूपेंद्र हुड्डा कर गया था जो सोनी पर अड्डे तक अम्बेडकर चौक तक लेकर दो एसआर रोड पर जाग उतरे है। भाई यो मांगा है आरएसएस खातिर इस देश में आरएसएस टाइप बढ़ावा दे रहा है। मेरे परिवार से इस रात में 3 नौकरी लगे बगैर पैसे लगी हुई है। सरकार ठीक है पर जो सरकार का तोड़ा काम करना है ना पंडा कहीं कर रहा क्या कहना था वहाँ मैं नहीं कहना चाहूँगा। पिछली बार हम यहाँ से पूरा पन्ना वहाँ बड़ी तड़ी के बाबत गए थे ये भूपी के बाबत है। अच्छा अब उन्होंने बोला रात नीला हो गई 3 बजे की सीम कोठी पर गए थे ना जी। तो इस करके हमने देखो ये गाँव में पूरा आधी वोट है एक बात बताइए मेरे तय भाई नू कह है कि हर तो किसान दुखी है बीजेपी तय हर युवा वर्ग दुखी है सारे प्राइवेट धंधे कर दिए तो इस पर आप क्या कहना चाहूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ 2000 तक भी पहुंचा दे मोदी जी घरा भेजा है 2000 रुपये मोदी जी ने कानून बना रहे हो जमींदारों के लिए और भी सारी किसान भाइयों के लिए किसान भाइयों के लिए किसान निधि तकरीबन कोई भी किसान हो चाहे जमीन का हो 2 बीघे का हो चाहे 20 का किले हो चाहे 10 किले हो चाहे पूरे 50 किले हो 2000 रुपये 2 महीने एक साल में हमारे एक साल में 6 महीने दे। अच्छा 6 महीने में करके दे दिया अच्छा 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 आप क्या कहना चाह रहे थे अंकल जी। चाहे सरकार किस भी आ जाओ मूर्ख लाके जिसके सरकार चल रहा है जिसमें हमारे काम पहला अगर कांग्रेस सरकार थी 10 साल पहले की बात करें तो ये काम करे 15 की दीजिए बहुत करिए काम भाई फिर भी आपके और जमीन बेकवा दी बढ़िया हो गया हो गया पाँच किले के नुकसान के इसमें जमीन पे कौन नुकसान के फायदा कर रहा क्या है भूपेंद्र हुड्डा एक किले के बदले में 5-6 किले आ जाए बार। अच्छा मतलब करोड़ रुपया किला बेकवा दिया और भाई 30-35 किले मिल जाए बताओ नुकसान के है ये बात भी कांग्रेस कहने की बात यह है रुपया भी हो गया किसान दो रहे और जमीन भी होगी बताओ फिर नुकसान के इसमें कांग्रेस ने फायदा कर रहा है 7-7 करोड़ बेकवा लग रहा है रात में 5-5-6 करोड़ के किले बक ये करोड़ बताओ गाँव है हमारे गाँव का नाम चाहते हैं हम जो है 6 करोड़ का किला बेकर रहे पीली बच्चे के सामने पर फायदा भी हो जाए भूपेंद्र हुड्डा की देना है सारी ठेकेदारी डाला है 5000 काम में पकड़ ले है वो उन्हें जितने का उसका काम हुआ है ना बाकी किसी का काम नहीं होता प्लॉट में 40 सालों का टिकिन जा रहा है डिपार्टमेंट में ना हमारे प्लॉट में प्लॉट दिए है इसी खर्चा भरवा गया ना तो मकान पास हुआ है हमारे बाढ़ एक मतलब प्लॉट कट्टा था आपका 40 साल हो गए। अच्छा फिर वो चले गए गवर्नमेंट में रोटी बैग खड़ा कर दिया अरे ये ढूंढ रहे करवा दो कंप्यूटर लेकर ने ये तो तकदर में बैठते थोड़ी गल को बढ़िया है तो बल्टो तेरे आड़ भी चल गई समझ तक कहीं कोने कांग्रेस का इलाका है ज्यादा विकास करती है नहीं बीजेपी 10 साल हो गए उसका राज ज्यादा विकास नहीं करती क्यों नहीं करती उनको पता है प्योर कांग्रेस इलाका है क्यों के मानना साहब की बात है एक जमीन पानी की जमीन है थी और वहाँ सेक्टर है वो हम 3 बस बराबर गए के पास हाथी ला हो गई आप तो जाहिर बात कर रहे हो आप बीती हो टीची ना मानता टीची ना मानता टीची ने बदलते तो सीएम तो बात कही थी कुछ कनाल है 1100 कुछ कनाल है पूरे पन्ने की ठीक है भूपेंद्र हुड्डा ने बोला बोला भाई डीसी ना मानता मेरी बदली ना करवा सकता है एस पी की और डीसी की बदली करवा सकता है हटा नहीं सकता बदली करवा सकता है पीएम मोदी है निश्चित है 4 जून को आना 4 जून देख लेना पीएम मोदी है राज्य में बीजेपी सरकार है यहाँ। अच्छा एक दो बार फिर राइट बार फिर बीजेपी सरकार है कांग्रेस आओगे तो बिल्कुल विकास हो जाएगा कांग्रेस के रात में सिलेंडर बहुत कम था 5 आयो पानी कहाँ का रोड खड़ा लोग परेशान रहे जब कहाँ का अगर बरसात आ जाए जब भूपेंद्र हुड्डा नहीं आएगा न बीजेपी आएंगे कौन आएगा ये पर गए नाई ठाटी ये बस साफ करिए अभी 5-7 दिन से अरे 5 साल कहाँ तब इतने दिन सर्वाधिक छह नहीं कितने बिट गया बिल यार वोट चाहिए वोट आइटम चाहिए उन्हें दे मैंने कहा नहीं कहा मुझे खाना रे खड़ी तेल बांटना 20 किलो और मटन क्यों बांटना से बांटना रहा खा जाए फिर क्यों बताओ पहला भी बिटा नहीं राइट नहीं गलत 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 कह रहा आते चलो भाई जो है ये तावर बैठे थे इनके निजी विचार आपने सुन लिए होंगे और भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो क्योंकि आपका हर कमेंट हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं जय हिंद जय हरियाणा।